अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको खुश रखे और आप अपनी हिफाजत में रखें। आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू कीमा की रेसिपी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी, और मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें नमक, मिर्च, जीरा, हल्दी, सावा गरम मसाला, कुटी काली मिर्च और दो अदद प्याज लेने, और इसको ऑयल डालकर इसमें हल्का ब्राउन कर लें, और दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और दो अदद टमाटर चाहिए। ये ब्राउन हो गया और इसके साथ पेस्ट डाल दें अदरक लहसुन का तकरीबन दो चम्मच, और यह हल्का सा इसको सोते कर लें, और इसके बाद इसमें कीमा डाल दें। कीमे को अच्छी तरह इसमें ऑयल में भून लें, क्योंकि पानी इसका बहुत कंबर शोर कर जिसकी वजह से आपने इसमें पानी को खुशक कर देना है। उसके बाद आपने मसाले डालने, तो ये पानी इसका खुश्क हो गया, ये देखें पानी खुश्क हो गया। अब आप इसमें सारे मसाले डालें, नमक, किसी मिर्च, हल्दी, जीरा, काली मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ। अब इसको मिक्स करें और भून लें। जब मसाले की तरह मिक्स हो जाए तो ये साथ ही अपने पानी से भी खुद ही गल जाता है। तो इसके बाद टमाटर डाल दें, दो मीडियम साइज के टमाटर, या वो पेस्ट डाल दें या काट के डाल लें, उससे अच्छा इसमें आएगा। और इसके बाद जब वो खुशक हो जाए पानी, तो उसमें दो अदद मैंने आलू काट लिए थे तो उसको ऐड कर दिया था। उसमें टमाटर जब डाल के भून लिया था तो फिर आलू डाल दिए थे, और आलू थोड़ी देर आप इसको ढक के रख दें तो आलू भी डाल देंगे। जब आलू गल दें तो उसमें दही ऐड करें, क्योंकि दही डालने से, पहले डालने से आलू जो है वो सख्त रह जाते हैं, इसको बाद में डालें। ये देखें कितना अच्छा इसमें तैयार हो गया, और इसमें इसमें घी छोड़ दिया और इसको थोड़ी देर भून लिया, और अब एंड में इसमें सब्ज़ मिर्च और धनिया ऐड कर दिया। ये तैयार हो गया है, देखें इसकी रंगत कितनी अच्छी है, और जो कुछ भी मुझे आ रही है वो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। और अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो बिल्कुल कुछ कर दें, और इसी तरह अगर आप थोड़ा ग्रेवी वाला चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा पानी ऐड